दीवा सोशल मीडिया में आज वायरल हुए एक पोस्ट की वजह से जमकर बवाल मचा दिया, जिसके बाद सैकड़ों समाज सेवी और ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मां दुर्गा पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाले के विरुद्ध जांच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुमेधा में सरपंच ने मां दुर्गा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गया और मामले की शिकायत एसपी विवेक सिंह से की। शिकायत देने आए थे अपने ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी आए थे और उन्होंने शिकायत की है कि 29 सितंबर की कोई पोस्ट उनको मिली है जो उनके अनुसार वायरल हुई है और जिसमें दुर्गा माता के खिलाफ कुछ शब्दों का उस पोस्ट में लिखा गया है और जिसके आधार पर उसमें कार्रवाई की मांग करने के लिए आए थे और जिसको मैंने अभी साइबर सेल को दिया है और जांच के लिए और इसमें FIR करके और अगर इसमें जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया से पोस्ट को ऐसा इन्होंने बताया है और जो भी क्योंकि अगर तत्काल ही पता चल जाता 29 सितंबर को ये काफी पुराना हो गया है तत्काल पता चल जाता जल्दी हम इसमें जानकारी निकाल सकते थे। अभी भी हम कोशिश करेंगे साइबर सेल की मदद से जल्द इसकी जानकारी निकाली जाए और जो भी अगर इस तरह के कृत्य किए उनके खिलाफ कार्रवाई। आज हम लोग संयुक्त रूप से सभी धार्मिक आस्था पर विश्वास रखने वाले सभी संगठन के लोग एकजुटता के साथ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इस आशा का ज्ञापन सौंपने आए हैं कि रीवा जिले के सुमेधा निवासी पवन जी के द्वारा एक अमर्यादित अश्लील अपशब्दों का प्रयोग किया गया है जो निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि पवन सिंह के द्वारा सोशल मीडिया में फेसबुक में एक टिप्पणी की गई है जो माँ शब्दों का प्रयोग किया गया है कि उनके शब्दों को वो शब्द कहने में मेरे शब्द नहीं आ रहे, मेरे वाणी में अल्फाज में वो शब्द नहीं आ रहे जो उन्होंने इतना अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस विषय को लेकर हम संयुक्त रूप से सभी लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और दोषी व्यक्ति पर FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे शब्दों का दुष्प्रचार या प्रचार न किया जा सके। किसी धर्म को आप अपने धर्म को मानते हैं पर किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जिस हिंदू के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो उसी हिंदू राष्ट्र में एक नारी का अपमान हो रहा है, एक धर्म का अपमान हो रहा है। भाई साहब, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रत्याशी के भाई हो, चाहे किसी सांसद किसी विधायक के हो, इससे विषय नहीं है। यदि वो हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज होना चाहिए। इस बात को उनको ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र के चुनाव के लिए उनके बड़े भाई या उनके परिवार के लोग प्रत्याशी हैं और वो इस प्रकार के अपमानजनक अश्लील समूचे सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं, ये कितना व्यवहारिक है। ये तो इस विषय को लेकर संयुक्त रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा और इसकी जाँच की मांग की जा रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी लोगों को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर से धार्मिक आस्था के केंद्र को ठेस पहुंचाने वाला गंभीर विषय है, इसकी हम जांच कराएंगे। उन्होंने साइबर को भी भेज रहे हैं और साइबर में ये पता लगाएंगे कि ये पोस्ट कितने बजे कैसे हुई है, किस मोबाइल से हुई है और किस प्रक्रिया में हुई है, इसकी जाँच कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है।